व्यापार मंडल का वार्षिक सम्मेलन, गरीबों को वितरित किए गए कंबल। उत्तर प्रदेश के गोपीगंज नगर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि द्वारा नव वर्ष पर समारोह का एक आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह ने किया। इस दौरान व्यापार मंडल की तरफ से पड़ रहे भीषण ठंड को देखते हुए मौजूद जरूरतमंद लगभग 1000 लोगों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरित किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष रमाकांत गुप्ता, जिला अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता, नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए चमन लाल की रिपोर्ट। सर, ये जो कंबल वितरण हो रहा है, ये जो कंबल वितरण हो रहा है आज का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, ये छठा वर्ष, हर वर्ष गरीब एवं जरूरतमंद, मैं श्रीकांत जायसवाल नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल, हर साल ये छठा वर्ष है गरीब एवं जरूरतमंदों को व्यापारियों के सहयोग से कंबल वितरण किया जाता है। करीब 1200 से 1300 कंबल वितरण किया जाता है आज, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला अधिकारी महोदय को आमंत्रित किया गया था, वह नहीं आ पाए। उनको समय नहीं है गरीबों में आने का, गरीबों का साथ देने का उनके पास समय नहीं है। हमें बड़ी तकलीफ है, व्यापार मंडल को यहाँ तकलीफ है। उनको आवंटित किया है, यहाँ पे अतिथि के तौर पे उनको इनवाइट किया गया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार को भी कहा गया था, लेकिन किसी ने भी समय नहीं दिया। आर्य का खौरी जी थी, इसके पहले जो भी डीएम थे वो बराबर आते थे, लेकिन इनके पास केवल राजेश परदेसी के साथ गाना गाने का मंच पे समय है, लेकिन यहाँ गरीबों एवं जरूरतमंदों में कंबल वितरण करने का समय नहीं है। हम लोगों को बहुत तकलीफ है।